हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडिंग एसएस ऑफ स्टैंडर्ड 6, चैप्टर नंबर 5, इन सर्च ऑफ पीस, बुद्धा एंड महावीर। हम यहाँ से अब सेकंड टर्म स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म में 1 to 4 लेसन हमने कंप्लीट किया था। देन वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 5, सर्च ऑफ पीस, बुद्धा एंड महावीर। तो यहाँ पर हम गौतम बुद्धा एंड महावीर स्वामी के बारे में स्टडी करेंगे। In the 6th century BC, important reforms were done in social and religious sector in India. In 6th century, some of the reformers worked against social evils that had entered social and religious areas. Along with the, they also worked for removal of social inequality and immoralities. Gautam Buddha and Mahavir Swami are the main one. We will try to understand the life of Gautam Buddha and Mahavir Swami, their pursuit and humanity established by them. Okay, जो भी reforms, social reforms किए इन लोगों ने 6th century के अंदर, बहुत ज़्यादा तब social जो society थी वो बहुत ज़्यादा poor थी और inequality थी, लेकिन गौतम बुद्धा एंड महावीर स्वामी ने इनको सबको एक साथ करने के लिए बहुत सारा वर्क किया। अब यहाँ पर हम जैसे गौतम बुद्धा हैं उनके बारे में स्टडी चालू करेंगे। वी ऑब्टेन्ड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट गौतम बुद्धा एंड बुद्धिज्म फ्रॉम जातक कथा एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट त्रिपिटक का, है ना, सुक्त पितक, विनय पितक एंड अभिधाम पितक। ये त्रिपिटक का जो है उसके 3 पार्ट्स हैं। अबाउट 550 जातक स्टोरीज आर एसोसिएटेड विद प्री बर्थ ऑफ बुद्धा, है ना। ये इसके गौतम बुद्धा के बारे में हमको कहाँ से पता चलता है, इनकी जातक कथा है और त्रिपिटक का, उसके थ्रू हमको गौतम बुद्धा के बारे में पता चलता है। There was a kingdom called Kapilvastu in the foothills of the Himalaya. While going towards, the Kshatriya of Kapilvastu were called Shakyas. It was a republic. Suddhodana was the head of the republic. Maya Devi was wife of Suddhodana. Gautam Buddha was born in house of Suddhodana and Mahadevi in 566 BC. His childhood name was Siddhartha. After few days of the birth, his mother Maya Devi died. Therefore, he was nurtured by Gautam Mahaprajapati, who was his foster mother. Okay. अब यहाँ पे हमने कहाँ पे birth हुआ उनका, कपिलवस्तु, जो कि हिमालया के foothills में है। उनके पिता का नाम क्या था, सुदोधना, जो कि एक republic था। रिपब्लिक इट मीन्स जहाँ पर राजा होता है और जो लोगों के द्वारा चूज होता है, हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं इस बारे में, है ना। और ये क्षत्रिय थे कपिलवस्तु के, इनको शक्यास बोला जाता था। इनकी मम्मी माता का नाम माया देवी था, जो कि बर्थ के बाद तुरंत उनकी डेथ हो गई थी और उनको उनकी एक गौतमी महाप्रजापति नाम की मदर ने उनको बड़ा किया था या पाला पोसता था। फ्रॉम यंग एज सिद्धार्था वॉज एसोसिएटेड विद एजुकेशन एंड नॉलेज। नेक्स्ट टू कपिल वस्तु देर वॉज अ मोनेस्ट्री ऑफ अ संत नेम्ड आलारा कलाम। ओके, उनको बहुत नॉलेज और एजुकेशन में बहुत नॉलेज था। उन्होंने कपिल वस्तु में एक संत थे जिनका नाम आलारा कलाम था, उनके वो गुरु थे। सिद्धार्था वेंट टू हिज आश्रम, हियर ही डिड मेडिटेशन। सिद्धार्थास फादर वॉज वरीड एज ही कंटिन्यूड टू डिस्कस नॉलेज एंड समाधि, है ना। सिद्धार्थ का के पिता बहुत ज़्यादा वरीड होते थे क्योंकि वो हमेशा नॉलेज और समाधि के बारे में टॉकिंग करते रहते थे और उनके उनको डर था कि ये कहीं जाकर एक साधु नहीं बन जाए, मोंक नहीं बन जाए। मोंक मीन्स साधु सन्यासी। ओके, सिद्धार्था वॉज मैरिड एट अ यंग एज, इसलिए उन्होंने उनका मैरिज बहुत जल्दी
छोटी सी यंग एज में ही कर दिया। उनकी वाइफ का नाम यशोधरा था और उनको फिर बाद में एक सन भी हुआ जिसका नाम राहुल था। एट द एज ऑफ 30 ही डिसाइडेड टू रिनाउंस हिज रॉयल फैमिली एंड स्टेट एंड बिकम अ सेंट हर्मिट इन सर्च ऑफ ट्रूथ। वन नाइट ही टूक हिज चैरियोटीर छाना एंड हॉर्स कंथक एंड वेंट टू द रिवर बैंक आउटसाइड हिज स्टेट लिविंग हिज रॉयल एटायर। ही गेव ऑल हिज ज्वेलरी टू छाना एंड ऑर्डर हिम टू टेक कंथक अलॉन्ग विथ हिम एंड रिटर्न टू द पैलेस। ही हिमसेल्फ वॉर एसेटिक क्लोथ्स फ्रॉम द हर्मिट एंड वॉक टूवर्ड्स द जंगल। अब 30 की एज, जब वो 30 ईयर्स के थे तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी एक रॉयल फैमिली को छोड़ देंगे और एक संत बन जाएंगे। तो एक रात को वो अपने रथ पर घोड़े के साथ बाहर निकल गए और बिल्कुल उनके स्टेट के बाहर निकल गए। वहाँ पर उन्होंने अपने सारे ज्वेलरी और रॉयल जो भी कपड़े पहने हुए थे वो सारे उन्होंने उनके चाना को दे दिए और उनको कहा कि कंथक को लेकर वो अपने पैलेस लौट जाए और वो खुद एक जंगल की तरफ साधु के कपड़े पहन के जंगल की तरफ निकल लिए। आफ्टर लिविंग हिज होम ही वेंट टू राजगढ़ देन टू पुरुवेला। हियर ही स्टार्टेड पेनेंस विद 5 ब्राह्मिन्स। ही फेल्ट दैट गिविंग अप फूड एंड वाटर एंड टॉर्मेंटिंग द बॉडी वुड नॉट यील्ड नॉलेज। ओके, वो राजगृह गए पुरुवेला के थ्रू। उन्होंने घर छोड़ा उसके बाद और उन्होंने उनको 5 ब्राह्मिन्स मिले जिन्होंने उनको फूड वगैरह दिया, क्योंकि बॉडी चलाने के लिए फूड की बहुत ज़रूरत होती है, फूड और वाटर की। वो अपने पथ पर चलते रहे और डिज़ायर पर उन्होंने 5 ब्राह्मिन्स को लेकर अपना फर्स्ट डिसाइड टू पेनेंस अलोन, है ना, उन्होंने अपना डिसाइड किया कि वो उनको साथ में लेकर चल रहे हैं। सिटिंग अंडर द पीपल ट्री एट बोधि गया ही स्टार्टेड साधना फॉर ट्रूथ एंड अलाइनमेंट। आफ्टर मेनी डेज ऑफ साधना ही गॉट नॉलेज ऑन द डे ऑफ वैशाखी पूर्णिमा। ऑन एक्वायरिंग नॉलेज ही बिकम बुद्धा फ्रॉम सिद्धार्थ। बुद्धा मीन्स कॉन्शियस और वाइस। लेटर ऑन ही कॉल्ड गौतम बुद्धा। अब वहाँ पे जब वो निकल गए जंगल में, उन्होंने बोधि गया में पीपल ट्री के नीचे बैठकर साधना की और उससे उनको ट्रुथ और एलाइटमेंट हुआ, सत्य के बारे में जानकारी हुई। आफ्टर मेनी डेज, साधना करने के बाद उनको बहुत दिन तक साधना की, जब उनको नॉलेज मिला वो दिन था वैशाखी पूर्णिमा का। अब ये नॉलेज मिलने के बाद गौतम बुद्धा बने, सिद्धार्थ से बुद्धा बन गए। और बुद्धा का मीन्स होता है वाइस, बहुत ही वाइस, बुद्धिमान, है ना, इसके लिए उनको गौतम बुद्धा कहा गया। फिर प्रीचिंग, अब उन्होंने फर्स्ट उन्होंने अपना उपदेश दिया। अलाइटमेंट होने के बाद उन्होंने सारनाथ गए वो, और सारनाथ में जो उनके ओल्ड ब्राह्मण फ्रेंड्स थे उनके थ्रू उन्होंने उनको प्रीचिंग किया, उपदेश दिया अपना। ही फर्स्ट टाइम इज प्रीच टू दोज 5 ब्राह्मिन्स एट सारनाथ। बुद्धाज देयर फर्स्ट प्रीचिंग आर कॉल्ड धर्म चक्र प्रवर्तन। ओके, उसका नाम था ये। बुद्धा गेव वेरी सिंपल सर्मन टू गेट रीड ऑफ द माइसरीज ऑफ द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 4 आर्य ट्रूथ। उनके 4 आर्य ट्रूथ थे। फर्स्ट था द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिसरीज। सेकेंड, द कोज ऑफ सफरिंग इज ग्रीड और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, है ना, सभी जो भी हम सफ़र करते हैं उसका रीज़न क्या होता है, ग्रीड एंड स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। हमको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, बहुत लालच करते हैं हम, वो सबसे बड़ा उसका सफ़र करने का कॉज है। डिस्ट्रक्शन ऑफ सफरिंग इज रिन्यूसिएशन ऑफ डिज़ायर। अडॉप्शन ऑफ ऑक्टोगल पाथ मतलब अष्टांग मार्ग, है ना, ऑक्टोगोनल पाथ इट मीन्स अष्टांग मार्ग। क्लाइमिनेट्स डिज़ायर
These four truths explained by Buddha are known as Buddhist principles, also known as Samyak Darshan. इन चार जो भी ये फोर उनके ट्रूथ से थे उनको सम्यक दर्शन कहा गया है. ओके, सम्यक का मीन्स क्या होता है? सम्यक मीन्स उन्होंने प्रॉपरली, सम्यक का मीनिंग होता है प्रॉपरली. तो प्रॉपरली में उन्होंने प्रॉपरली साइट, प्रॉपरली रिजॉल्व, प्रॉपरली स्पीच, सम्यक डीड्स, सम्यक अर्निंग, है ना. तो जो भी सब एक्सरसाइज, सम्यक उनका मेन वर्ड था. मीन सम्यक मीन्स प्रॉपरली, ये संस्कृत वर्ड है. बुद्धा इज अ ग्रेट रिफॉर्मर. कैसे पता चलेगा कि बुद्धा ग्रेट रिफॉर्मर थे? रिफॉर्मर मीनिंग क्या होता है? कि उन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे काम किए थे, सोसाइटी को आगे लाने के लिए बहुत सारे उपदेश दिए थे और उन्होंने उसके लिए बहुत इनकरेज किया था लोगों को. बुद्धा वॉज अ ग्रेट रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर. He worked lifelong to eliminate the pollutants in religion and society. He had many disciples, many kings and states were encouraged by his human religion. He did the following reforms. Daniel of God and Saul. First reform kya tha unka? Daniel of God and Saul. Buddha denied God and Saul and gave importance to karmanism. According to him, if there was God, sorrow would not have been there. Instead of indulging in welfare of soul, one should live a virtuous life in the present. Unka tha first God, Daniel of God and Saul, है ना. तो कर्मनिज्म पे वो डिपेंड करते थे कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको फल भी अच्छा मिलेगा, उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा. अपोजिशन टू रिचुअल्स. ही अपोज रिचुअल्स रिफॉर्म द हिंदुइज्म एंड सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल इन द यज्ञास. ही सेड द नॉन वायलेंस इज द हाइएस्ट वैल्यू. द ग्रेट ड्यूटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग इज टू ट्रीट एनिमल नॉन वायलेंटली. अब यहाँ पर रिचुअल्स पहले थे क्या कि जानवरों की बलि दी जाती थी, यज्ञ वगैरह होते थे उसमें बलि दी जाती थी, इट मीन्स एनिमल्स को मारा जाता था. तो उन्होंने इसका अपोज किया और उन्होंने बताया कि ये भी एक एनिमल भी में भी जीव है और उसको हमको नॉन वायलेंटली ट्रीट करना है. अपोजिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाई एंड लो. एट द दैट टाइम हिंदुइज्म वॉज डिवाइडेड इंटू फोर वर्णास, ब्राह्मीण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. बुद्धा अपोज दिस वर्णा सिस्टम. ही सेड बींग बॉर्न इन द हाई फैमिली डज नॉट मेक एनी वन ग्रेट. ही बिकम्स ग्रेट बाई हिज डीड्स, बाई हिज कॉन्शियस, बाई फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. ही हाईली अपोज द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाई एंड लो प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी. जब बुद्धा का टाइम था तब हिंदुइज्म जो था वो फोर वर्णाज में डिवाइड था. उसमें फोर वर्णर्स थे, ब्राह्मीण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना. तो ये सारे सिस्टम, वर्ण सिस्टम जो था उसके थ्रू क्या होता था कि ब्राह्मीण, क्षत्रिय जो थे वो वैश्य जो थे उनको ऊंचा हाई फैमिली बोलते थे और जो शूद्र वगैरह थे वो लो फैमिली में आते थे. तो उनका कहना था कि किसी की फैमिली में जन्म लेने से कोई हाई नहीं हो जाता, उनका हाई बनने के लिए उनके ग्रेट इफर्ट्स होने चाहिए और उनको अच्छा काम करना चाहिए, इसलिए वो हाई और लो प्रिविलिंग को इसके लिए उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म किए और लोगों को समझाया. देन फोर्थ नंबर है इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन. बुद्धा गेव इक्वल इम्पोर्टेंस टू वुमेन एज टू मेन. ही सेड दैट द पाथ ऑफ निर्वाणा इज नॉट ओनली फॉर मेन, वुमेन कैन ऑल्सो अचीव निर्वाणा थ्रू साधना एंड ड्यूटी. बुद्धा का कहना था कि गौतम बुद्ध जो भी वुमेन एंड मैन है उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए. जैसे मैन को निर्वाणा के लिए चाहिए, निर्वाण चाहिए, इसी प्रकार लेडीज़ को भी ये अचीव करना होता है. अब निर्वाणा, निर्वाणा का मीनिंग क्या है वो आपको देखना है. बुद्धा अटेंड्स अलाइटमेंट इन द शेडो ऑफ द बोधि ट्री ऑन वैसाखी पूर्णिमा बाय एक्वायरिंग नॉलेज. बुद्धा कंटिन्यूड रिफॉर्मिंग सोसाइटी एंड रिलीजियस इन इंडिया. ही लेड मैनी पीपल टू वर्ड्स
righteous path, giving preaching of truth and non-violence. He opposed eating of non-vegetarian food and high and low discrimination. He died at the age of 80 years in Kushinara and attained Nirvana. But his idea and religious is still alive in the world. उन्होंने निर्वाण, इट मीन्स हम अपनी बॉडी को छोड़ देना, मीन्स डेड हो जाना. ओके, तो उनकी डेड कब हुई? उनकी 80 इयर्स में कुशीनारा, प्लेस का नाम है कुशीनारा, जहाँ पर उनको निर्वाण प्राप्त हुआ. निर्वाण इट मीन्स उनकी डेथ हुई. उन्होंने बहुत सारे काम किए. उनको कब एलाइटमेंट हुआ, उनको ज्ञान कब प्राप्त हुआ? वैशाखी पूर्णिमा के दिन बोधि ट्री के नीचे. ओके, उन्होंने रिफॉर्मिंग की, सोसाइटी को रिफॉर्मिंग करने के लिए बहुत सारे काम किए. जैसे उन्होंने जो भी नॉन वायलेंस की तरफ लोगों का ध्यान किया, ट्रूथ बोलना है, नॉन वेजिटेरियन फूड को अपोज किया उन्होंने कि ये नहीं खाना चाहिए, है ना. और जो हाई और लो डिस्क्रिमिनेशन था उसको के लिए भी उन्होंने वर्क किया बहुत सारा. ओके, तो ये उनके रिफॉर्म्स थे जिसके थ्रू लोगों में जागृति आई कि उनको भी ये सब को फॉलो नहीं करना है. ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम महावीर स्वामी के बारे में स्टडी करेंगे. टिल देन, गुड डे. ओके, बाय.